नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आज कलेक्ट्रेट से रैली निकाली गई। इस रैली का कलेक्ट्रेट डॉक्टर भारती दीक्षित ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में अलग अलग सामाजिक संस्थाओं के साथ ही समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में एनजीओ की महिलाएं मौजूद रही, जिन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर आम जनता को नशा छोड़ने की जागरूक किया। कलेक्ट्रेट से निकली गई इस रैली के जरिए युवा पीढ़ी को संदेश दिया गया कि जिससे कि वह नशे की लत को छोड़कर समाज और देश में अपना योगदान निभाए। कलेक्टर ने कहा कि अलग अलग एनजीओ और सरकार की स्कीम के तहत नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, ऐसे में वह प्रभावी रूप से काम करें इसे लेकर सभी को निर्देशित किया गया है। यही अलग अलग रूट पर पहुंचकर नशा मुक्ति अभियान में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। नशा मुक्ति दिवस पर नशा मुक्ति अभियान के तहत कलेक्ट्रेट अजमेर से हमने एक रैली को रवाना किया है, जिसमें कई माध्यम से हम लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करने के विचार जन जन तक पहुंचाएंगे। इसमें कई व्हीकल्स पर हम आईईसी मटेरियल्स भी डिस्प्ले कर रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारी नवजीवन योजना के अंतर्गत हमारी कंजर और सांसी बस्तियों में हमारे जो प्रेरिकाएँ कार्य कर रही हैं, तो उन बस्तियों की जो निवासी महिलाएँ हैं उन्होंने ये मुहिम उठाई है कि वो जन जन को प्रेरित करेंगी कि वो नशा छोड़े। नशे से होने वाले जो प्रभाव हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति विशेष खुद और उनके परिवार और आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको जो परेशानियाँ आती हैं, उसके बारे में लोगों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा और लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि वो नशा छोड़े। साथ ही साथ नशा छोड़ने के उपरांत वो किस तरह से पॉजिटिव कार्यों में अपने आप को व्यस्त कर सकते हैं, कैसे वो सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव हो सकते हैं, इसके बारे में भी उनको जानकारी दी जाएगी। तो हम आशा करते हैं हमारा ये पूरा अभियान सफल हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे प्रेरित होकर के नशा छोड़ें। जी सर। राज्य में नशीले और मादक पदार्थों की बढ़ती प्रवृत्ति के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से एक नशा मुक्ति जागरूक जन जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए यहाँ पे जन जागरूक ये नशा मुक्ति से जुड़े हुए जितने भी हितधारक हैं उनको सभी को आमंत्रित किया गया है। ये रैली यहाँ से शुरू होकर बजरंगढ़ और चौपाटी आनासागर तक जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आज की डेट में जो हमारे राज्य के अंदर और स्पेशली अगर हम अजमेर की बात करें तो ये जो नशे के स्पेशली यूथ की हम जो बात करें तो यूथ जो है नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है, तो इसके विरुद्ध जन जागरूकता फैलाना इस रैली का मुख्य उद्देश्य है। और ये इस प्रकार के प्रोग्राम साल भर हमारे द्वारा हमारे विभाग के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि युवाओं में और अन्य जो एज ग्रुप के लोग हैं उनमें जो नशा की प्रति जो ये बढ़ती प्रवृत्ति है इस पर रोकथाम और अंकुश लगाया जा सके।